Press the bell icon and never miss an update from Tele Masala. इतनी स्वीट से अब नागिन बनने जा रही है, हाँ। डस रही है लोगों को, क्या है, कौन सा शो है, क्या करने वाले? बेसिकली ये शो है हनुमान, जो सोनी टीवी पे आता है, और मेरा जो लुक है अब वो पूरा ट्रांसफॉर्म होगा जो आप देखेंगे। तो अब मैं फाइनली नागिन बनने जा रही हूँ, और आई थिंक वो काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर है। नागिन इज़ क्वाइट अ ट्रेंड, सो अभी बहुत यू नो एवरी वन इज़ लाइक यू नो टॉकिंग अबाउट नागिन एंड स्टफ लाइक दैट। सो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ट्राई किया जाए नया, यू नो, एंड द कैरेक्टर्स ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग, एंड द लुक इज़ वेरी ग्लैमरस एंड वेरी ग्लॉसी, एंड द मेकअप इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डिफरेंट जो आप देखेंगे। इट्स अ माइथो, सो देर आर रियली हैवी कॉस्ट्यूम्स, एंड द ऑब्वियसली हैवी कॉस्ट्यूम ड्रामा शो है, और बहुत ही भारी ज्वेलरी है, लुक भी बहुत डिफरेंट है, हेयर भी बहुत डिफरेंट है। सो आप सब देखेंगे कैसे मैं ट्रांसफॉर्म होती हूँ। ये अभी बस 5 मिनट में चालू होने वाला है, और मुझे रेडी होने के लिए कुछ दो ढाई घंटे लगते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ लुक, द नागिन लुक। सो इट विल टेक 2.5 आवर्स, सो आप मुझे मिलेंगे तब। आई थिंक सो 2 घंटे हो गए, आई गेस 2 घंटे हुए हैं, एंड दिस इज़ द लुक एज यू कैन सी। सो आई थिंक इट्स क्वाइट अ एलिगेंट लुक, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ यू नो समथिंग टोटली आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग आई नेवर अटेम्प्टेड। मैंने कभी कोशिश भी नहीं की कि मैं माई तो हिस्टोरिकल या पीरियड शोज़ को टच भी करूँ, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, इट वॉज फॉर सम टाइम्स आई थॉट कि वाई नॉट यू नो ट्राई समथिंग न्यू, एंड स्पेशली द नागिन लुक, आई डेफिनेटली वॉन्टेड टू ट्राई इट एंड दोज नागिन लुक्स, यू नो। सो मुझे ये इसलिए आई टुक दिस अप बिकॉज इनिशियली शी इज़ वेरी ग्रे एंड देन शी इज़ पॉजिटिव, सो यू नो बोथ द शेड्स आई वॉन्टेड टू डू एट द सेम टाइम, सो देन आई थिंक इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। हाँ, एक्चुअली बहुत मुश्किल था, मतलब ये कॉस्ट्यूम एंड ऑल, इट्स रियली हैवी, द मुकुट एंड एवरीथिंग, इट्स वेरी हैवी, एंड यू नो यू गो इनसाइड द सेट एंड यू स्टार्ट ड्रिपिंग इन स्वेट, तो बहुत गर्म है, लाइक द स्टूडियो इनसाइड इट्स वेरी वेरी हॉट, एंड दिस इज़ लॉट ऑफ तामझाम, सो इट्स काइंड ऑफ यू नो हैवी एंड डिफिकल्ट, एंड या इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, बट यू शुड ट्राई न्यू थिंग्स, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट ट्राई। हाँ, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट फॉलो द शो, बट वंस आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर द शो आई सॉ द शॉट टेकिंग एंड आर डिरेक्टर्स ऑल्सो वेरी नाइस, सो जब मैंने शॉर्ट्स देखे, हमारा DOP ही इज़ वेरी नाइस, सो वैन आई सॉ ऑल द शॉर्ट्स ना, मुझे लगा कि आई शुड वॉच द शो, एंड आई वेंट होम एंड आई सॉ अ फ्यू एपिसोड्स एंड आई लव्ड इट बिकॉज द शॉर्ट टेकिंग इज़ वेरी डिफरेंट। मेरे भी कुछ शॉर्ट्स जो मैंने देखे मॉनिटर पे, आई वॉज लाइक wow, it really looked pretty, so I think that's one thing. I don't think so ki aise nagin kabhi chalte firte kahin mil jaye, par kabhi lagta hai ki khoobsurat nagin hoti hai jaise aap play kar rahi hai। आई डोंट नो, आई विश कि ऐसी खूबसूरत नागिन एक्चुअली हो, और मुझे ना हमेशा से ऐसे बहुत मेरा ड्रीम था, एक्चुअली इट्स वेरी स्टूपिड, बट आई ऑलवेज ड्रीम दैट यू नो आई विल बी वन डे आई वॉन्ट टू यू नो प्ले नागिन एंड विश कन्या, आई हैव दिस थिंग टू यू नो प्ले विश कन्या टू, मैं बचपन में भी ऐसे सोचती थी कि यू नो किसी को छुओ और यू नो उसमें जहर फैल जाए, लाइक यू नो आई हैव दिस थिंग अबाउट विश कन्या नागिन, आई थिंक दे आर वेरी सेक्सी, दे आर वेरी सेडक्टिव एंड दे आर वेरी लाइक यू नो समथिंग यू लुक इन यू बी लाइक ओ माई गॉड टाइप, सो आई ऑलवेज हैड दिस थिंग एंड नाउ आई एम प्लेइंग इट, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू यू नो प्रॉब्ली प्ले दिस वन कैरेक्टर विच इज़ क्वाइट यू नो, नाउ सीन में आपको दिखेगा कि हाउ सेक्सी हाउ सेडक्टिव एंड कैसे वो सम्मोहित करती है लोगों को, सो वो आपको दिखेगा। हाँ सो ये गोल्डन मोजड़ी है, और ये एक ब्लैक धोती है विद अ ड्रेप, प्रिटी ड्रेप,
and a lot of ornaments are there, and this is a fish cut blouse which is very sexy from the back, and so this is about the costume. It has a lot of drapes actually attached to it, like this dupatta and all. There was a big cape jo maine abhi pehna nahi hai, gold cape hai. तो यू नो बेसिकली जो विश कन्या है नागिन जो है बेसिकली वो अलग अलग कैरेक्टर्स बदलती है. तो इसमें ऐसा है कि यू नो कोई चीज़ में आई एम प्लेइंग अ डिफरेंट कैरेक्टर, आई एम प्लेइंग डिफरेंट थिंग्स. सो यू नो शी चेंजेस अवतार्स लाइक दिस. सो दैट्स वन थिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस लुक. मेरे यही मैसेज है कि थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो मच थ्रू आउट दीज ईयर्स, एंड मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मेरे काम को पसंद करने के लिए. आई एम रियली थैंकफुल. ये एक फैंस ही हैं जो आपको बनाते हैं और आपको ख़त्म करते हैं. तो आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू लाइफ इन जनरल एंड माई फैंस जिन्होंने इतना कुछ किया. हर हफ्ते मेरे लिए गिफ्ट्स भिजवाते हैं, हर यू नो कुछ दिनों में मेरे लिए कंपनीज गिफ्ट्स भिजवाती हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं विच इज़ सो स्वीट. इट जस्ट मेक्स मी फील कि यू गाइज really watch and follow the stuff I do. So it's so sweet. Thank you so much. Kiss from a Nagin. Kiss.